नमस्कार जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों यहां पर आपके लिए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं भारत में पिछले तीस साल से सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके जीएस आता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने के मेहनत करके क्वेश्चन लाए हैं हमारे चैनल पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता चैनल का नाम ऑल एग्जाम गाइड गुरु है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था तो भारत भारत का सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर है गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप में कहां से गड़ी थी या विकसित हुई थी तो सत्याग्रह गांधी जी, जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था यहां से स्टार्ट किया था तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी दक्षिण अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंपारण में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था तो चंपारण में जो तीन कटिया प्रथा थी उसका तात्पर्य था कि तीन बटे बीस भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और वहां के किसान ऐसा नहीं चाहते थे तीन बटे बीस भूभाग पर नील की खेती करना गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था ऑप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह में या संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था तो महात्मा गांधी जी का साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने दिया था इन दो लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह जी और जेपी कृपनाल जी संबंधित है जयप्रकाश नारायण जी का संबंध चंपारण सत्याग्रह से आंदोलन से नहीं है अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को का किसने विरोध किया था तो महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का एन जी रंगा ने विरोध किया था ऑप्शन नंबर यहां पर भी एन जी रंगा राइट आंसर है अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्लेग बोनस राइट आंसर है सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किस में औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग अहमदाबाद मिल हड़ताल में शामिल था ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित तो में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था तो अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल थी जो कारखाना था जो मिल था वो सूती कपड़ों की मिल थी कामगारों के लिए ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में कौन सा कथन सही है इन पर विचार कीजिए पहला कथन है आपका यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद था और दूसरा है गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी तो भाई आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कार के घंटों के लिए नहीं था ये किस लिए था <coughs> प्लेग बोनस के लिए तो यह ऑप्शन नंबर एक गलत है गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी ये सही है तो केवल ऑप्शन नंबर भी इस कथन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला देखिए खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये गुजरात से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था कौन उनके साथ मौजूद नहीं था तो गांधी जी जब खेड़ा सत्याग्रह में गए थे तो महादेव देसाई जी थे इंदुलाल याग्निक थे आसफ अली उस समय नहीं थे ऑप्शन नंबर सी आसफ अली उस समय नहीं थे खेड़ा सत्याग्रह में दोस्तों क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा देखिए आई और एनडीए और रेलवे पीएससी शिक्षक हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए एकत्रित किए इवन आर्मी में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की गई है दस हजार जीएस हमने बनाए हैं कितने दस हजार जीएस की पीडीएफ बनाई है पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ भेज दी जाएगी और पीडीएफ तीन सौ रुपए की पीडीएफ है लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है इसलिए केवल आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम की दृष्टिगत सिर्फ निन्यानवे रुपए में हर एक स्टूडेंट को यह पीडीएफ दी जा रही है जो नया है जो पुराना है सबको दस हजार क्वेश्चन यदि आपने रख लिए जीके जीएस के ना दस हजार क्वेश्चन तो आपका कहीं भी जीके जो है जीके में आप वीक नहीं रहोगे जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए अभी आप लोगे तो आपको निन्यानवे रुपये में मिल जाएगी नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे पेटीएम से पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हो व्हाट्सएप पे आप हेलो लिख के भेज दीजिए हाई लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी लोग नंबर सेव कर लेना व्हाट्सएप पर हेलो लिख के भेज देना ठीक है नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा जिसको भी चाहिए होगी व्हाट्सएप uh, पर आप ये नंबर पर मुझे मैसेज कर देना अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट के किस कारण से सार्वजनिक का रोष उत्पन्न हुआ था रोलेट एक्ट जो आया था इसमें क्या था रोलेक्ट एक्ट में इसलिए कि उसमें आपका बिना मुकदमा चलाए बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया गया था रोलेट एक्ट में इसलिए जो है इसका विरोध हुआ था ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका विरोध किया गया था अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रोलेट एक्ट किस वायसराय के वायकाल तो यह पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड के कार्यकाल में ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था ऐसा क्यों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था क्योंकि यह व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित कर देता है कि भैया आप पर कोई भी मुकदमा चलाए बिना जो सरकार थी वो आपको जेल में डाल देगी आपको मंजूर है आपको मंजूर है कि चेक ना हो आपको बस उठा के जेल में डाल दिया तो बिना मुकदमा मतलब आप कोई भी नहीं कर सकते वकील सुनवाई भी नहीं होगी उसकी जलियावाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था तो जलियावाला बाग नरसंहार रोलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था ऑप्शन नंबर यहां पर भी रोलेट सत्याग्रह के विरुद्ध हुआ था जलियावाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था तो जलियावाला बाग हत्याकांड में हादसे में जनरल डायर संबंधित था ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियावाला बाग तेरह अप्रैल उन्नीस को एकत्रित हुए गिरफ्तारी के विरोध में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनके विरोध में इनकी गिरफ्तारी कर ली थी इसलिए एकत्रित हुए थे वहां पर जलियावाला बाग में जलियावाला बाग हत्याकांड उन्नीस में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की उपाधि को लौटा दिया था तो नाइट हुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था किस लिए जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में ऑप्शन नंबर सी जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था तो वायसराय की कार्यकारिणी समिति में शंकरन नारायण जी नायर जी ये थे और इन्होंने जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया था जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था तो ओ ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोन्टेग्यू चेम्स uh, मोन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था तो निवारक हत्या कहा गया था जलियावाला बाग हत्याकांड को ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा जो जलिया हत्याकांड हुआ था कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको दिया था तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी को इसकी रिपोर्ट लिखने का जो है कार्यभार सौंपा था ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आया था यह भी सही है और साथ ही साथ रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया यह भी सही है मतलब कथन एक और कथन दो सही है तो कथन एक और कथन दो ऑप्शन नंबर यहां पर बी रोलेक्ट एक्ट के बारे में सही जानकारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए जलियावाला बाग हत्याकांड निम्न में से कौन से कथन सही है इसके बारे में तो जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि जलियावाला बाग हत्याकांड में सेना ने नित्ती भीड़ पर गोली चलाई यह भी सही है सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी ये भी सही है गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी ये भी सही है मतलब एक दो तीन ये तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा एक दो और तीन तीनों कथन यहां पर सही दिए गए हैं <laughs> खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे आपके मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली, अली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खिलाफत तो आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था तो खिलाफत आंदोलन टर्किश खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था कि मुसलमान खिलाफत आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी ने भी सपोर्ट कर दिया कि कल के दिन आगे हिंदू मुस्लिम एक होंगे और दूसरे आंदोलन होंगे तो उसमें दोनों लोग खड़े होंगे वर्ष उन्नीस में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है प्राप्त करना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा इसकी स्थापना की गई थी आपका दास दास द्वारा ऑप्शन नंबर ए दास दास राइट आंसर है प्रश्न के लिए छत्तीसगढ़ अभी का क्वेश्चन है दो साल पहले का ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वह कौन सी थी तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने वापस कर दिया था ऑप्शन नंबर बी केसर ए हिंद राइट आंसर हो जाएगा स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी इसकी स्थापना जो की गई थी ऑप्शन नंबर ए स्वराज दल की स्थापना किसने की थी तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ऑप्शन नंबर डी चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है प्रश्न के लिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था तो बिहार के अंदर स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो केंद्रीय विधानसभा की बात हो रही है वहां पर भी स्वराज दल का समर्थन किया गया था राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना एम ए जिन्ना के द्वारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी ऑप्शन नंबर कानपुर प्रश्न के लिए राइट right आंसर है नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो उस समय नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आजाद जी ने चंद्रशेखर आजाद जी के समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी इनमें से कौन थे तो जेल में ही भूख हड़ताल कर दी थी उनका नाम था जतिन दास और भूख हड़ताल में के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिल गई थी इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और फांसी की सजा मिल गई थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा किसकी हत्या की थी कमेंट करके बताइए उधम सिंह ने किसको गोली मार थी किसकी हत्या की थी कमेंट करके बताइए इंग्लैंड में जाकर हत्या की थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूवी भी बनी है और आपको याद होना चाहिए काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी तो काकोरी ट्रेन डकेती कांड में फांसी की सजा मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाक उल्ला खां ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां निम्नलिखित में से कौन काकोरी केस या मुकदमा से संबंधित नहीं था तो काकोरी केस से पहले हम बता देते कौन कौन संबंधित थे तो देखिए इनमें से राम प्रसाद मुसमिल जी काकोरी केस से संबंधित थे राजेंद्र लहड़ी भी संबंधित थे और अशफाक उल्ला खां भी सूर्य सूर्यसेन ये काकोरी केस से संबंधित नहीं थे निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था तो राइट आंसर हो जाएगा मुकदमे से बच निकला था पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद

तो ये जो लाइन लिखी गई थी ये लिखी गई थी बिस्मिल जी द्वारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल जी राइट आंसर है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 तो को दी गई थी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम किसके साथ फेंका था तो भगत सिंह जी द्वारा सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भगत सिंह जी के सबसे पहले जिसने फांसी की सजा पाई थी तो रिकॉर्डेड नाम है अशफाक उल्ला ऑप्शन नंबर उल्ला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी इनमें से किसके द्वारा तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना यह बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता ये सभी लोग इनमें से किस षडयंत्र के लिए कैद हुए थे क्या हो जाएगा राइट आंसर तो इनके द्वारा षडयंत्र जो किया गया था जिस, जिसके कारण कैद हुए थे कानपुर बोल्शेविक सेविक कांड ऑप्शन नंबर यहां पर डी कानपुर बोल्शेविक सेविक कांड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब विश्व युद्ध हो रहे थे उस समय की बात है तो यहां पर आपका कथन कौन सा सही है यहां पर आपका एक कथन सही है वो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह जी नौ जवान भारत सभा के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल उन्नीस को बम फेंका था बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए बम किसने फेंका था यहां पर आपको चार नाम दिए गए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त किसने बम फेंका था तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह जी ने और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त एक और चार तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नि में से कौन सही सुमिलित नहीं है यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो देखिए हावड़ा षडयंत्र प्रकरण 1910 की बात है यह बिल्कुल सही सुमिलित है विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण यह आपका हुआ था 1914 में यह भी बिल्कुल सही है लाहौर षडयंत्र प्रकरण 1916 से 19... 1930 ये भी बिल्कुल सही है 1916 और 1930 माफ कीजिएगा ये भी सही है काकोरी षडयंत्र प्रकरण 1924 ये आपका गलत है कमेंट करके बताइए काकोरी षडयंत्र प्रकरण की डेट आ, सन क्या था काकोरी षडयंत्र का सन क्या था कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए दिल्ली संयंत्र अमीर चंद जी बिल्कुल सही है ये केस कुल्ला ये भी सही है लाहौर षडयंत्र के नासिक के केस रास बिहारी बोस जी ऑप्शन नंबर डी यहां पर यह आपका गलत हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनको सही क्रम में आपको निभाना है तो लाहौर मुकदमा काकोरी मुकदमा मेरठ का मुकदमा और कानपुर का मुकदमा इनमें से कौन कैसे क्रम में हुआ यह आपको बताना है मैं आपको सीधे ऑप्शन दे देता हूं आप सीधा आंसर बता देता हूं सबसे पहले हुआ है आपका लाहौर मुकदमा नंबर एक यहां पर लाहौर मुकदमा आएगा इसके बाद हुआ था कानपुर मुकदमा नंबर चार उसके बाद हुआ था काकोरी उसके बाद हुआ था मेरठ लाहौर कानपुर काकोरी मेरठ ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो भगत सिंह के बारे में कथन दिए गए हैं देख लेते हैं तो भगत सिंह के बारे में पहला कथन पढ़िए भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे कथन बिल्कुल गलत है वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह की बात हो रही है तो आपका ये वाला भी गलत है नहीं थे सदस्य अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष उन्नीस में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका केवल केवल और नंबर नंबर सही है ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो अगला निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए साइमन आयोग की नियुक्ति जलियावाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु इसमें से कैसे कैसे क्रम से कौन कौन सा हुआ है तो सबसे पहले हुआ था आपकी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु उसके बाद हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति और आखिरी में हुआ था महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार दो एक तीन फिरोज शाह की मृत्यु जलियावाला बाग हत्याकांड साइमन कमीशन की नियुक्ति और महात्मा गांधी की डांडी यात्रा साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का कारण था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था तो 1928 की बात है साइमन कमीशन आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए लाला लाजपत राय कहां पर घायल हुए थे किस चीज में तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में घायल हो गए थे ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहां पर आपको कथन दिए गए हैं दो पहला कथन पढ़ते हैं प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु वाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए यह बिल्कुल सही है असहयोग नीति के पक्ष में पहले नहीं थे लाला लाजपत राय बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए असहयोग नीति को लेकर स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय जी भी शामिल हुए ये गलत है तो के एक सही तो केवल ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सही हो हो जाएगा जाएगा ए यहां पर राइट आंसर नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट इनमें से किसने तैयार की थी क्या हो जाएगा सही आंसर तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा एम एल नेहरू जी ने ऑप्शन नंबर ए एम एल नेहरू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग यह जो लीग स्थापित की गई थी यह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित की थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोतीलाल नेहरू के विरोध में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई और इसका विषय क्या था तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की, की गई थी अब आपको बताना है इनमें से कौन से इससे संबंधित है तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही साथ संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान इस रिपोर्ट में था तो दो और तीन स्वतंत्रता स्वराज को किसी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए कि जो स्वराज वर्ड है उसका मतलब यह होना चाहिए कि कोई भी विदेशी नियंत्रण नहीं हो और संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए यह कहा था मौलाना हसरत मोहानी जी ने ऑप्शन नंबर बी मौलाना हसरत मोहानी जी राइट आंसर है निम्नलिखित तो में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर उन्नीस को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है निम्नलिखित तो में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में और उसकी अध्यक्षता इनमें से की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑप्शन नंबर पर राइट आंसर है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा सबसे पहली बार लहराया गया था राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रश्न के लिए 31 दिसंबर उन्नीस को ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी

किस कारण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तो कांग्रेस के है के, लक्ष के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति दे दी थी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 उन्नीस में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था शामिल नहीं था बोला गया है तो मैं आपको सीधा बता देता हूं देखिए पहला तो शामिल था भारत में विदेश नीति की घोषणा करना पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा करना सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ की तैयारी अस्पृषता उन्मूलन शामिल नहीं था अधिवेशन में संकल्प जो पारित किया गया था उसमें अस्पष्यता उन्मूलन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इतिहास के लिए प्रसिद्ध है किस कारण से प्रसिद्ध है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था नंबर एक यहां पर सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के डांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी पहले किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरीके से बदल दी और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन भी किया

तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था ऑप्शन नंबर भी 1931 राइट आंसर है निम्नलिखित तो व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो राइट आंसर हो जाएगा इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू जी ने कहा था ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज C, तेज बहादुर बहादुर सप्रू सप्रू ने ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित थे इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो गांधी इरविन समझौते में आपका सम्मिलित था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सबसे पहला असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना नंबर दो और साथ ही साथ केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था एक दो और चार ये गांधी इरविन समझौते में शामिल थे ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी एक दो और चार ये सभी गांधी इरविन समझौते के पॉइंट थे निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची का जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा तो आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था तो मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित यह किया गया था किसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा

कराची कराची संकल्प संकल्प की बात हो रही है तो संकल्प ने राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व समर्थन किया था ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य जो है यह प्रमुख उद्योग सेवाओं तथा स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मोलाना मौ... मोहम्मद अली ये गए थे ऑप्शन नंबर यहां पर ए मौलाना मोहम्मद अली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है बोला गया है तो सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था यह गलत है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था बाकी ऊपर के तीनों सही हैं पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, में आयोजित किया गया था इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था ऊपर के तीनों सही हैं कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था याद रखिएगा लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में, में। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो भारतीय ईसाइयों की तरफ से गए थे आपके के टी पॉल ऑप्शन नंबर डी के टी पॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए रखा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा यह रखा गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने हेतु गांधी जी की जो मांगे थी उसके लिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे गांधी जी यदि उनकी मांगे स्वीकार कर ली गई इसके लिए लंदन में गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें महादेव देसाई जी गए थे प्यारे लाल नैयर जी भी गए थे मदन मोहन मालवी जी भी गए थे जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे ऑप्शन नंबर डी पर राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है महात्मा गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहां पर ठहरे थे तो महात्मा गांधी जी ठहरे थे किन्सले हॉल में जब दूसरे आपको क्वेश्चन यह भी आ सकता है क्या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे या नहीं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी लंदन गए थे और किन्सले हॉल में ठहरे थे ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था तो वो गए थे एस एस राजपूताना जहाज में ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा एस एस राजपूताना पानी का जहाज इसमें गए थे गांधी जी लंदन निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था तो वर्ष 1932 की बात है तो 32 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन राइट right आंसर है निम्न लिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बता देता हूं महात्मा गांधी जी गए थे सरोजिनी नायडू जी भी गई थी और मदन मोहन मालवी जी भी गए थे मौलाना आजाद नहीं गए थे दूसरे में महात्मा गांधी जी सरोजिनी नायडू मदन मोहन मालवी ये तीनों गए थे एक दो तीन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय रैम मैकडोनल्ड इन्होंने घोषित किया था ऑप्शन नंबर ए रैम मैकडोनल्ड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय है, थल सेना अधिनियम उन्नीस सौ में पारित हुआ था यह बिल्कुल सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था यह भी बिल्कुल सही है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में हुआ था यह भी बिल्कुल सही है सांप्रदायिक निर्णय 1933 ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है सांप्रदायिक निर्णय 1933 में नहीं हुआ था